बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोग को खुश रखे, अपनी ज़ुबान में रखे। मैं लाई हूँ आप लोग के लिए आज ओरियो शेक की रेसिपी, और हम बनाएंगे मज़ेदार सा शेक बच्चों के लिए। और चलिए चलते हैं, बहुत आसानी से जो है हम ये शेक तैयार कर लेंगे, बिल्कुल बाजार जैसा। तो शेक बनाने के लिए पहले जो है मैंने व्हिप क्रीम ली है, तो ये हम इसके अंदर 5 से 6 टेबल स्पून जो है क्रीम हम बॉल के अंदर डालेंगे, और हम हैंड बीटर से जो है हम इसको बीट कर लेंगे। और इस क्रीम को जो है हम इतना बीट करेंगे कि ये जो है क्वांटिटी में डबल हो जाए, बहुत फ्लफ़ी सी हो जाए। और उसके बाद जो है फिर जो है मैं इसको बीट करने के बाद फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि हम इसको ठंडा ठंडा ही जो है सर्व करें। इस क्रीम का टेस्ट वैसे भी आइसक्रीम जैसा होता है, तो आप बच्चों को जो है घर में शेक बना के और इस तरीके से आप जब सर्व करके देंगे तो बच्चे बहुत शौक से पियेंगे। तो मैं आगे जो है आपको उसकी पूरी रेसिपी दूंगी, पूरी रेसिपी को वॉच करिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रेसिपी है। इसलिए क्योंकि जो माएँ जो है बच्चों को मिल्क पिलाने के लिए परेशान रहती हैं, तो इस तरीके से जो है बच्चों को मिल्क दे सकती हैं। तो यहाँ पर जो है आप देखें, मैं इसको इतना बीट कर रही हूँ कि ये डबल फॉर्म में जो है आ चुकी है। तो बस मैंने बीटर कर दिया है बंद, और उसके बाद जो है आप देखें यहाँ पर जो है मैंने इसको फ्रीज़र में रख दी है। तो अब शेक बनाने की तैयारी कर लेते हैं। हाफ जग मैं इसके अंदर मिल्क डाल रही हूँ, मिल्क जो है मेरा ठंडा ठंडा है। मैंने मिल्क को जो है फ्रीज़र में रखा हुआ था, ताकि हम जो शेक तैयार करें वो चिल्ड हो, हमें आइस क्यूब्स डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके अंदर जो है मैं ओरियो डाल रही हूँ, और थोड़े से ओरियो मैं बचा लूँगी। मैंने यहाँ 5 से 6 पैकेट ओरियो के लिए हैं, और 2 से 3 ओरियो जो है मैंने साइड पर रख लिए हैं, ताकि मैं इसको जो है ऊपर से स्प्रिंकल करूँ। फिर जो है ओरियो डालने के बाद हम इसके अंदर जो है शुगर ऐड करेंगे। शुगर हमने जो है बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी, क्योंकि ओरियो में पहले से ही शुगर जो है मौजूद होती है, तो बहुत ज़्यादा जो है हमने इसको हैवी नहीं करना। तो इसलिए मैं इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून शुगर ऐड करूँगी, और फिर जो है हम इसको जो है इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे सब चीज़ों का। 1 मिनट में ही जो है सारी चीज़ें ब्लेंड हो गई हैं, तो बस अब जो है हम इसको सर्व करेंगे। ओरियो शेक को मैं ग्लास के अंदर निकाल लूँगी, और फिर जो है मैंने क्रीम को जो व्हिप करके रखी है, और शेक के ऊपर अब हम क्रीम डालेंगे। जितना जो है आपको क्रीमी पसंद है शेक, उतने जो है आप क्रीम की क्वांटिटी रख सकते हैं। और फिर जो है क्रीम डालने के बाद मैं इसके ऊपर ओरियो को जो है मैंने थोड़ा सा किसी चीज़ से भी आप इमाम दस्ते से किसी चीज़ से भी आप कूट लें थोड़ा सा दरदरा सा, और उसके बाद जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल करें, तो बहुत यम्मी जो है लुक आएगा और बहुत मज़ा आएगा बच्चों को पीने में, और उसको बहुत इंजॉय करेंगे। तो आपने ख्याल इस बात का ये रखना है कि आपने जो है ठंडा ठंडा इसको सर्व करना है, क्योंकि ठंडी चीज़ें जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो इस फॉर्म में आप बच्चों को जो है मिल्क दे सकते हैं। तो ये रेसिपी है ना मज़े की, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सपोर्ट करा करें प्लीज़, ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए जो है मज़ेदार सी और रेसिपीज़ लाई जाएँ। तो ये हमारा यमी सा जो है ओरियो शेक तैयार है। इंशाल्लाह ताला मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। ये छोटी सी रेसिपी मैंने सोचा आप लोगों से शेयर की जाए, मैं अपने बच्चों के लिए बना रही थी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।